Hello friends, here we are again for another live session, and today we will be discussing on a very important aspect linked to the abdominal cancers or GI cancers, that what is the role of obesity in all these gastrointestinal cancers or abdominal cancers, so to speak. So first let us see what is the problem of obesity, what is the magnitude of it, this problem which we are facing. Today, worldwide, if you take data from either USA or England or Europe, Australia, India, around 60 to 70% of our population, they fall in overweight or obese category. That is one serious concerning thing. Second concerning thing is that more than 50% of children in almost all these areas are now overweight or obese. Now, why it is important to know is that if suppose a child is overweight or obese, the chances of him or her remaining obese or overweight in adulthood is very high. कहने का मतलब यह है कि अगर बचपन में मोटापा है तो बड़े होने के बाद भी वो मोटापा रहता ही है ज्यादातर केसेस में. तो इस तरह आपने देखा कि ओबेसिटी की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हम आजकल फेस कर रहे हैं. इस बात का अंदाजा आपको इस बात से भी लगता है that in last 20 to 30 years the number of obese people across the globe, especially in countries like America, England, Australia, Europe, the number of obese people have more than doubled. Unka number dugna ho gaya hai. To ab aapko thoda sa idea lag gaya hai ki obesity ki kitni badi problem se hum deal kar rahe hain. Ab hame ye dekhna hai ki kya obesity ka link पेट के कैंसर से यानी कि एब्डोमिनल कैंसर से है कि नहीं. बिकॉज इफ सपोज देर इज अ लिंक बिटवीन ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल कैंसर, एंड व्हाट इज दैट लिंक, इफ द इंसिडेंस और द चांसेस ऑफ गेटिंग एब्डोमिनल कैंसर इज बाय एनी वे इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओबेसिटी, एंड सिंस ओबेसिटी प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग, सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, स्पेशली एब्डोमिनल कैंसर पेशेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीज. इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर जैसे हमने देखा कि ओबेसिटी मोटापे की इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और अगर मोटापा पेट के कुछ कैंसर्स को बढ़ावा देता है, तो इतने ज़्यादा मोटापे की तकलीफ बढ़ रही है उसकी वजह से कितने सारे और कैंसर के लोग पैदा होंगे. नाउ आफ्टर शेयरिंग दिस डेटा विद यू ऑल अबाउट द कंसर्निंग ट्रेंड ऑफ ओबेसिटी, लेट अस कम टू abdominal cancers. There are broadly seven types of abdominal cancers, out of which there are three types which are definitely linked with obesity. What are these? Number one, cancer of the esophagus, माने कि food pipe का cancer, आहार नली का cancer. Second is pancreatic cancer. Pancreas, जिसको हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं, is an organ which helps in digestion of food and which secretes insulin, जिसकी वजह से डायबिटीज नहीं होता. तीसरा है कोलन एंड रेक्टम यानी कि बड़ी आंत. इन तीनों के कैंसर्स का मोटापे से डायरेक्ट रिलेशन है, और इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट या वजन उसका ज्यादा है, ओबेसिटी है उसको, तो उसके केस में ये तीनों कैंसर्स का रिस्क सिग्निफिकेंटली नॉर्मल मरीज की तुलना में ज्यादा है. नाउ लेट अस शेयर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज कैंसर्स विच आर एट्रीब्यूटेबल टू ओबेसिटी. यानी कि अगर 100 मरीज गॉल ब्लैडर के हैं, सॉरी पैनक्रियास के हैं, या फिर ईसोफेगस के हैं, या फिर कोलन रेक्टम के हैं, उनमें से कितने परसेंट पेशेंट्स में ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, तो उसका रेशियो है 25 to 35%. मतलब आउट ऑफ 100, 25 to 35% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ कैंसर ईसोफेगस, कैंसर पैनक्रियास एंड कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कोलन एंड रेक्टम आर डायरेक्टली रिलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओबेसिटी. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम ओबेसिटी, जो कि टोटली अपने कंट्रोल में हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 25% कैंसर रिस्क कम होता है, जो कि एक बहुत बड़ी नंबर है, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, और वो टोटली हमारे हाथ में है. सो फ्रेंड्स, सो फार वी हैव अंडरस्टूड
that presence of obesity increases the chance of getting abdominal cancers. These three types of abdominal cancers: esophagus, pancreas, and large intestine. Now, there is another disadvantageous aspect of obesity linked with cancer, and that is the risk of death because of cancer is significantly higher in any obese patient. मतलब किसी भी व्यक्ति जिसका वजन बहुत ज्यादा है, जिसको मोटापे की बीमारी है, उसको अगर कैंसर होता है तो उसके केस में कैंसर की वजह से उसकी जान जाने का खतरा लगभग 15-20% है, जो कि अगर नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल वजन वाला व्यक्ति जिसको अगर कैंसर होता है तो उसको ये इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। तो अब आप समझे कैंसर के दो नुकसान, पहला कैंसर सॉरी ओबेसिटी के दो नुकसान, पहला ओबेसिटी जो है कैंसर से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसका मतलब ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में कैंसर होने का रिस्क 25-35% ज़्यादा है। सेकेंडली, अगर उनको कैंसर होता है तो उनमें नॉर्मल वजन वाले कैंसर के मरीज की तुलना में रिस्क ऑफ डेथ 15-20% ज़्यादा है। अब हम आते हैं, अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, वी हैव अंडरस्टूड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल कैंसर्स, नंबर वन, द रिस्क ऑफ गेटिंग इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन दीज पेशेंट्स, ओबीस पेशेंट्स, एंड सेकेंडली द इंक्रीज चांसेस ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट्स ड्यू टू कैंसर। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट? सो द वी हैव टू सी वेदर रिडक्शन इन वेट कैन हेल्प अस रिड्यूस द मोर्टैलिटी और डेथ रेट बिकॉज ऑफ दीज कैंसर्स। सो हमारी स्टडीज में ये पाया गया कि अगर जैसे जो बहुत अत्यधिक मोटापे वाले मरीज होते हैं उनको वजन कम करने का एक ही तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी, मोटापे को कम करने की एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है ये। बाय डूइंग बेरियाट्रिक सर्जरी वी हेल्प दीज पेशेंट्स रिड्यूस देयर वेट, एंड बाय रिड्यूसिंग देयर वेट टू द नॉर्मल रेंज डेफिनेटली इट हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ देम गेटिंग कैंसर्स एंड कैंसर डेथ्स। So friends, the only solution for not having an increased risk of cancer because of obesity is to reduce our weight to the normal range. Now the next question comes that is there any definitive boundary beyond which if weight increases then there is a higher risk of developing abdominal cancers? Yes, there is some idea about that, ki agar hamara vazan, if our weight, in fact we define obesity by means of body mass index, and body mass index is nothing but a ratio of weight and height. So if our body mass index is more than 28-30 kg per meter square, then definitely there is an increased risk of getting these abdominal cancers. Iska hindi mein matlab ye hai ki agar hamara BMI jo ki height aur weight ka ratio hai वो अगर 28-30 से ज़्यादा होता है तो हमारा पेट के ये तो तीन कैंसर हैं, ईसोफेगस, पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टिस, इनका होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा मकसद हर हाल में ये होना चाहिए कि नॉर्मल वेट होना तो बहुत अच्छी बात है, जो कि जिसका मतलब है 28 से कम BMI, लेकिन अगर हमारा BMI बहुत ज़्यादा है तो हमें किसी भी तरीके से उसको 30 के अंदर अंदर तो लाना ही है अगर हमें अपने कैंसर के रिस्क को कम करना है, नंबर वन। नंबर टू, If suppose our BMI is very high, for example 36, 40, 45, what is the solution? The only solution for these patients is to get bariatric surgery, which is done laparoscopically, so as to reduce their weight to normal BMI level or at least below 30 BMI. This is the only solution for them to treat or to get relieved of two problems. One is the present problem of obesity and its problems related to obesity directly, and the future possibility of or risk of getting abdominal cancers. In fact, there are many other cancers also other than abdominal which are having increased risk because of obesity, like breast in females. So in sab ka risk wazan ka bhi hamare body ka BMI, body mass index ko 30 se kam karne se hota hai, aur ye risk jo hai 25% kam hota hai, jo ki ek significant ratios. After discussing these facts with you, in the end I would like to summarize what I have told you today, the take home messages. I will speak all of them both in English and Hindi. The first message is that obesity increases significantly the risk of getting abdominal cancers, yani ki atyadhik motapa hamare ko pet ke teen ke cancers
सिग्निफिकेंटली रिस्क उनका बढ़ाता है हमें होने के लिए. नंबर टू, थ्री एब्डोमिनल कैंसर्स विच आर हैविंग इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग इन ओबीज पीपल और पेशेंट्स आर कैंसर ऑफ द ईसोफेगस, कैंसर ऑफ द पैनक्रियास एंड कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. मतलब अगर कोई मोटा मरीज है, वजन जिसका ज़्यादा है, तो उसको तीन तरह के पेट के कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं मोटापे की वजह से. पहला फूड पाइप का कैंसर ईसोफेगस, दूसरा पैनक्रियास अग्नाशय का कैंसर, और तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन कोलन और रेक्टम का कैंसर. द थर्ड मैसेज इज द रिस्क, इंक्रीज्ड रिस्क इन दीज ओबीज पेशेंट इज टू द ट्यून ऑफ 25 to 30%. मतलब अगर इतने वजन वाले व्यक्तियों की तुलना हम नॉर्मल वजन वाले व्यक्ति से करें, तो नॉर्मल वाले व्यक्ति को अगर 1% रिस्क है मान लीजिए होने का ये कैंसर, तो मोटापे वाले मरीज को ये कैंसर होने का रिस्क 25 to 35% एक्स्ट्रा है. नंबर फोर्थ, इन केस दीज ओबीज पीपल गेट्स कैंसर अनफॉर्चुनेटली, द रिस्क ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर इन दीज ओबीज पीपल इज 15 to 20% higher than that of a patient with a cancer with a normal weight. मतलब अगर कोई अत्यधिक मोटापे वाले मरीज में कैंसर होता है, तो सही इलाज होने के बावजूद उसको जो कैंसर होने की वजह से जान का खतरा है वो 15 to 20% ज़्यादा है उसकी तुलना में, उस व्यक्ति की तुलना में जिसको कैंसर तो है लेकिन जिसका वजन नॉर्मल है. फिफ्थ पॉइंट इज द रिस्क ऑफ एब्डोमिनल कैंसर सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस बाय नॉर्मलाइजिंग योर बॉडी वेट बाय मीन्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी. माने अगर हम अपने अत्यधिक वजन को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, तो उसको कराने से जब वजन कम होता है उसकी वजह से हमारा कैंसर होने का रिस्क भी कम होता है. सिक्स्थ, कि इफ आर बीएमआई इज मोर देन 30 kg/m², द रिस्क ऑफ दीज थ्री एब्डोमिनल कैंसर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. मतलब अगर हम अपने मोटापे का जो मापदंड है जो कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसको अगर हमारा 30 से ज़्यादा है, तो हमें ये तीन पेट के कैंसर होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है. सो फ्रेंड्स, माई मैसेज टू यू इज दैट ओबेसिटी इज नथिंग बट अ लाइफ स्टाइल डिजीज. इट इज टोटली इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल अस फ्रॉम हैबिट्स which prevents us getting obese, number one. Number two, it is totally in our hands that if at all we are obese right now, we can come back to normal with some help if required. So we must get ourselves free from this burden of or possibility of getting any kind of abdominal cancers to the tune of 25% by reducing our weight to normal range. So friends, please help yourselves. Become in charge of your own health, reduce your weight to the normal range, and thus prevent yourself from getting these deadly cancers. Thank you so much. See you next week.